हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर डुअल ऐप बनाना है या किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन ऐप बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर डुअल ऐप कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो वीडियो में बस सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर आप डुअल ऐप बना सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। डुअल ऐप बनाने के लिए सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ से नीचे आ जाना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन नंबर मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर एडवांस फीचर, सिंपली आपको एडवांस फीचर्स पे क्लिक कर लेना है। एडवांस फीचर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर भी इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है डुअल मैसेंजर, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको दो एप्लीकेशन के नाम मिल जाते हैं, स्नैपचैट और फेसबुक। तो इसे आप ओपन करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसका सेकंड ऐप्स बन जाता है, फेसबुक का भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और आपको चेक करा देते हैं हमारे फ़ोन के अंदर डुअल ऐप बने या नहीं बने। तो हम इधर आ जाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन में आपको कहीं देखने को मिल जाते हैं डुअल ऐप। फेसबुक के दो अकाउंट हो चुके हैं, स्नैपचैट के दो अकाउंट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर डुअल ऐप बना सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।